नमस्कार दोस्तों, अर्चना राठौर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे झटपट पेड़ा। रक्षाबंधन स्पेशल इंस्टेंट पेड़ा की रेसिपी बहुत ही आसान है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, रेसिपी अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टेंट पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस के ऊपर पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। 1 चम्मच घी डाल दिया है और उसके बाद हम डालेंगे आधा कप दूध। घी को बहुत ज़्यादा गर्म होने नहीं देना है, बस हल्का सा गर्म होने के बाद हमें उसमें डालना है आधा कप दूध और दूध को उबाल आने देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दूध को उबाल आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे आधा कप दूध पाउडर यानी मिल्क पाउडर। तो मैंने डाल दिया है, गैस को मीडियम किया है और लगातार हम इस तरीके से चलाते हुए इसको मिक्स करेंगे। गैस को इस वक्त हमें फास्ट नहीं करना है, बस मीडियम गैस रखना है और लगातार चलाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद स्वादानुसार मतलब चीनी डालना है, जितना आपको मीठा पसंद हो उतनी चीनी डालिए। दूध पाउडर में, मिल्क पाउडर में ऑलरेडी चीनी होती है, तो आप इसका भी ख्याल रखें कि ऑलरेडी मिल्क पाउडर मीठी होती है, तो चीनी आप आपके हिसाब से डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है चीनी। मिल्क पाउडर और दूध को लगातार चलाते हुए मैंने इसको इस कंसिस्टेंसी में लाया है, आप देख सकते हो। इस कंसिस्टेंसी में आने के बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसको 5-6 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तो 5-6 मिनट वेट करते हैं हम। 5-6 मिनट होने के बाद ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हो। और अब हम इसके पेड़े बनाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेड़े बनाना। ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो आपको जिस साइज़ में पेड़े चाहिए उस साइज़ के आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़े से बड़े साइज़ के पेड़े बनाऊँगी, तो चलिए बना लेते हैं पेड़े। और आप देख सकते हो पेड़ा बन के तैयार है। ये परफेक्ट तरीके से पेड़ा बन चुका है और इसका जो स्वाद होता है ये बहुत ही अच्छा होता है। और इसको हल्का सा हम ऊपर से उंगली की हेल्प से प्रेस करेंगे। आपको मैं नज़दीक से दिखा दूंगी कि इसकी जो आप देख सकते हो ये परफेक्ट तरीके से बन चुका है। और इसी तरीके से हम दूसरा भी पेड़ा बनाएंगे। रक्षाबंधन को आप इस तरीके का पेड़ा बनाइए, बाहर से बाहर का मत लाइए, घर पे बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट बनने वाला ये पेड़ा होता है, तो ज़रूर ट्राई करना। तो दूसरा भी पेड़ा हमारा तैयार हो चुका है और इसी तरीके से आप देख सकते हो इसी तरीके से बाकी पेड़े हम बना के तैयार कर लेंगे। और हमारे सारे पेड़े बनके तैयार है। ऊपर से मैंने थोड़ा सा पिस्ता कट करके डाल दिया है। आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, मतलब बादाम या फिर किशमिश कुछ भी डाल सकते हो। हमारे पेड़े बनके तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये इंस्टेंट पेड़ा रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।